नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। भारतीय राजनीति में परिवारवाद का मुद्दा एक अहम मुद्दा रहा है। खासकर बीजेपी परिवारवाद को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर अक्सर हमलावर रहती है। हर चुनावी रैली में अक्सर प्रधानमंत्री द्वारा परिवारवाद पर कांग्रेस को घेरा जाता रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ परिवारवाद का मुद्दा जोर शोर से उठाते रहते हैं और खुद को इस परंपरा का विरोधी बताते हैं। ऐसे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जो बीजेपी परिवारवाद का विरोध करती रही है, क्या वास्तव में वो इससे अछूती है, क्योंकि पूर्वांचल में देखे तो खुद बीजेपी परिवारवाद की परंपरा पर आगे बढ़ती दिख रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर कई सांसद, विधायक और राज्यपाल तक इसके उदाहरण हैं। यहां तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो वो भी इससे अछूते नहीं हैं, क्योंकि वो भी संघर्ष कर राजनीति में अपना मुकाम नहीं बनाए हैं, बल्कि वह गौरक्षनाथ पीठ के उत्तराधिकारी के तौर पर राजनीति में आए थे और सांसद चुने जाने के बाद इस बार पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अब बात करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की कैंट विधानसभा से सौरव श्रीवास्तव भाजपा से विधायक हैं। इस बार भी उनका चुनाव लड़ना तय ही माना जा रहा है। सौरव के पिता हरिश्चंद्र श्रीवास्तव और उनकी मां ज्योत्सना श्रीवास्तव लंबे समय तक इस विधानसभा से विधायक रहे हैं। शिवपुर विधानसभा से 2017 में विधायक चुनकर मंत्री बने अनिल राजभर के पिता रामजीत राजभर यहीं से 2002 में सपा से विधायक चुने गए थे। बनारस की मेयर मृदुला जायसवाल यहां से भाजपा के पूर्व सांसद रहे शंकर प्रसाद जायसवाल की बहू हैं। इसके साथ ही पूर्वांचल में बीजेपी के प्रमुख सहयोगी दल अपना दल की कर्ता धर्ता अनुप्रिया पटेल अपने पिता डॉक्टर सोनेलाल पटेल के नाम के सहारे राजनीति में आगे बढ़ी और दो बार से सांसद और केंद्र में मंत्री हैं। मिर्जापुर से ही भाजपा के कद्दावर नेता रहे ओम प्रकाश सिंह के पुत्र अनुराग सिंह चुनार से विधायक हैं। मिर्जापुर के मंझावा से भाजपा विधायक शुचिस्मता मौर्य भी परिवारवाद की ही देन है। उनके ससुर रामचंद्र मौर्य इसी सीट से कभी भाजपा के विधायक चुने गए थे। मिर्जापुर के 96 विधानसभा से विधायक राहुल प्रकाश कोल के पिता पकौड़ी लाल कोल सोनभद्र से भाजपा के सांसद हैं। चंदौली निवासी देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र पंकज सिंह भी पिता के नाम के सहारे ही राजनीति में आए और नोएडा से विधायक हैं। दूसरी बार भी प्रत्याशी बनाए गए हैं। चंदौली से तीसरी बार विधायक सुशील सिंह के पिता पूर्व एमएलसी उदयनाथ सिंह उर्फ चुलबुल सिंह की गिनती बनारस में जिला पंचायत चुनाव के बड़े मठाधीशों में होती थी। सुशील की चाची अन्नपूर्णा सिंह एमएलसी रह चुकी हैं और चाचा एमएलसी ब्रजेश सिंह बनारस की सेंट्रल जेल में बंद हैं। यही नहीं, पूर्वांचल में भाजपा के कई और नेता भी अपने परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। बलिया से भाजपा के राज्यसभा सांसद नीरज शेखर अपने पिता पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के नाम के सहारे राजनीति में आए। वहीं गाजीपुर में पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के बाद उनकी पत्नी अलका राय बीजेपी से विधायक बनी। रामगढ़ में पूर्व सांसद रमाकांत यादव के पुत्र अरुण यादव फूलपुर विधानसभा से भाजपा से विधायक हैं। आजमगढ़ के सगड़ी से विधायक और हाल ही में भाजपा में शामिल हुई वंदना सिंह भी पारिवारिक विरासत को ही आगे बढ़ा रही हैं। जौनपुर से राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी के पिता माता सेवक उपाध्याय कभी भाजपा के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे। इसी तरह से कई और नेता हैं जो अपने घर परिवार को राजनीति में आगे बढ़ाकर भाजपा में अपना दबदबा बनाए हुए हैं। इसके अलावा और भी हैं जो अभी राजनीतिक रसूख बनाने के लिए आतुर हैं। राज्यसभा के राज्यपाल कलराज मिश्र के पुत्र अमित मिश्र देवरिया से टिकट मांग रहे हैं। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान के बेटे रामविलास चौहान मऊ के मधुबन सीट से टिकट मांग रहे हैं। मऊ निवासी रामजीत सिंह के पुत्र अरिजीत सिंह राजनीति में एक अस्थायित्व भरे मुकाम के लिए लगातार
प्रयासरत हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के छोटे पुत्र नीरज सिंह लखनऊ कैंट या लखनऊ उत्तरी से विधानसभा चुनाव लड़कर माननीय बनना चाह रहे हैं। सलेमपुर लोकसभा सीट से सांसद रविंद्र कुशवाहा के छोटे भाई जयनाथ कुशवाहा भाटपा रानी विधानसभा से टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। पथरदेवा विधानसभा से विधायक और प्रदेश के मंत्री सूर्य प्रताप शाही अपने ब्लॉक प्रमुख बेटे सुब्रत शाही को विधायक बनाने की जुगत में लगे हुए हैं। रुद्रपुर के विधायक और मंत्री जयप्रकाश निषाद भी अपने बेटे को राजनीति में एक अच्छा मुकाम देने के लिए प्रयासरत हैं। तो देखा आपने, हमने जितने भी अभी आपको नाम गिनाए हैं, ये बीजेपी में भी परिवारवाद का उदाहरण है। आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी है जो परिवारवाद से अछूता है, या फिर वास्तव में ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जिसमें परिवारवाद मौजूद ना हो? इस खबर पर क्या कहेंगे, कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं।